What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty and Bank Nifty analysis from tradingfab.in. आज 8 नवंबर 2019 फ्राइडे है, सुबह के 8 बज रहे हैं। जैसे कि फ्राइडे है, हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, तो बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस करेंगे। कल वीकली एक्सपायरी का दिन था, निफ्टी में कुछ ट्रेंडलेस कहा जा सकता है। एक साइडवेज पैटर्न था, 12,000 के लेवल को काफ़ी पेनेट्रेट कर रहा था और एक कंसोलिडेशन फेज में कल ट्रेड हो रहा था। तो आने वाले वीक में बैंक निफ्टी के लिए क्या इंट्राडे लेवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल हो सकते हैं वो देखेंगे, और निफ्टी के लिए आज के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन सबसे पहले ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं। कल अमेरिकी बाजार डाउ जोन्स नासडैक में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। US और चाइना के बीच में जो ट्रेड वॉर चल रहा है उसकी पॉजिटिव खबरों के कारण यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है। यूरोपियन मार्केट भी देखें तो कल हरे निशान के साथ बंद हुआ, और आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो निक्केई और चाइना मार्केट हल्के से बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि हांगकांग मार्केट में 133 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। डाउ फ्यूचर इस समय 46 पॉइंट की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है, और SGX निफ्टी 58 पॉइंट की गिरावट इस समय दिखा रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से तो कल पॉजिटिव संकेत थे, लेकिन आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो हल्के से दबाव के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। ये वीकली चार्ट है बैंक निफ्टी इंडेक्स का, ये स्पॉट इंडेक्स है। तो यहाँ पर अभी जो आने वाले लेवल्स है उनको प्रोजेक्ट करने के लिए फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को यहाँ पर हमने ड्रॉ किया था। तो ये जो लेवल्स है काफ़ी यहाँ पर एक्यूरेट साबित हो रहे हैं। आप देख सकते हैं ये फर्स्ट 38.2% का लेवल था, यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस एक बार फेस किया, बाद में 50% के पास, और अभी यहाँ पर 76.4 का ये जो लेवल है यहाँ पर भी इसने एग्जैक्ट रेजिस्टेंस फेस किया हुआ है। तो ये जो लेवल है 30,745, यहाँ पर ही आप देख सकते हैं यहाँ से ये जो शार्प अपसाइड मूव आया था यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस फेस करके 30,800 के पास फिर एक बार यहाँ से करेक्शन दिखाया था। तो एग्जैक्ट उसी लेवल के पास बैंक निफ्टी इंडेक्स अभी पहुँच चुका है। प्राइस एक्शन की बात करें तो यहाँ पर हायर हाई हायर लो का पैटर्न बन रहा है, यानी प्रीवियस कैंडल का ये जो हाई और लो है इसके ऊपर नेक्स्ट कैंडल का हाई और लो बन रहा है। तो ये कंटिन्यूस पैटर्न लास्ट, तो ये फिफ्थ वीक हम यहाँ पर ये कंटिन्यूस पैटर्न देख रहे हैं। तो यानी ये ट्रेंड बुलिश है, लेकिन अभी जो लेवल के पास पहुँच चुका है यहाँ पर इसने पास्ट में एक ज़बरदस्त रेजिस्टेंस फेस किया था, और एक यहाँ पर पैटर्न बन रहा है कप एंड हैंडल पैटर्न। अगर आप हमें कई दिनों से फॉलो कर रहे हैं तो निफ्टी इंडेक्स में हमने वीकली चार्ट में ये आइडेंटिफाई किया था। ये है निफ्टी का वीकली चार्ट, यहाँ पर हमने आइडेंटिफाई किया था। ये देखिए, ये है कप और ये है उसका हैंडल। तो अभी ये जो इसका नेक लाइन बना था इसका ब्रेकआउट मिलने के बाद निफ्टी ने भी यहाँ से ज़बरदस्त हमें अपसाइड मूव यहाँ से दिखाया। तो अभी सेम पैटर्न यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी ये क्रिएट हो चुका है। ये देखिए, यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं, ये कप का पोर्शन और ये उसके हैंडल का पोर्शन, और ये जो नेक लाइन अभी बनेगा इसका ब्रेकआउट यहाँ से मिलेगा तो निफ्टी में, बैंक निफ्टी इंडेक्स में यहाँ से और भी तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन 30,800 यहाँ से फॉल आया था तो हो सकता है यहाँ से एक करेक्शन ले, और ये जो 61.8% का लेवल है अराउंड 30,100, तो यहाँ पर ये सपोर्ट टेस्ट करे और फिर बाउंस बैक दिखाए। अगर ऐसा नहीं होता, इसका क्लियर ब्रेकआउट देता है तो निफ्टी में हमें 31,000 के लेवल्स पार होते हुए दिखाई दे सकते हैं। उससे पहले डेली चार्ट में चलते हैं, अगर ये 30,800 का लेवल अगर पार करता है तो और एक रेजिस्टेंस का लेवल होगा। डेली चार्ट पर चलते हैं, ये है डेली चार्ट। अगर ये 30,800 के लेवल को, ये जो नेकलाइन हमने यहाँ पर, ये इस तरह से नेकलाइन हमने वीकली चार्ट में ड्रॉ किया था, इसके ऊपर अगर चला जाता है तो आप देख सकते हैं ये जो लास्ट ऑल टाइम हाई बना था बैंक निफ्टी इंडेक्स का, ये अराउंड 31,600 के पास था। अगर मैं इसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूं तो यहाँ पर एक डबल टॉप पैटर्न जैसा फॉर्मेशन हुआ था। तो
ये अगर लेवल अगर ब्रेक करता है तो इसके ऊपर 30,600 के पास एक रेजिस्टेंस होगा, और उसके बाद ये 100% का लेवल 31,700 ये भी अचीव होता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। और अगर ये टूवर्ड साउथ की तरफ अगर मूव करता है तो हमने इन लेवल्स, ये जो फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल्स हमने यहाँ पर ड्रॉ किए थे, ये यहाँ पर देखिए कैसे सपोर्ट का काम कर रहा है। तो अगर ये नीचे आता है तो फर्स्ट सपोर्ट 30,100 का होगा, उसके बाद ये 29,650 के यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस फेस किया है, और अभी 20 EMA का ये जो मूविंग एवरेज है ये भी इसी लेवल के पास है। तो नेक्स्ट सपोर्ट 29,650 का होगा, उससे पहले 31,100 का यहाँ पर सपोर्ट होगा। तो ये निफ्टी के लिए लेवल्स है आने वाले वीक में रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लिए, तो इसके अकॉर्डिंग आप अपना ट्रेड यहाँ बैंक निफ्टी में बना सकते हैं। तो अभी बैंक निफ्टी का एनालिसिस किया, निफ्टी के बारे में आज के इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं वो देखेंगे, लेकिन उससे पहले कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू करते हैं। ये कल का पिक्चर है, यानी 7 नवंबर आफ्टर मार्केट आज ये पिक्चर लिया हुआ है। अगर आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो ऊपर यहाँ आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल का ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 12,003 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 11,956। तो जैसे कि आप देख रहे हैं निफ्टी इंडेक्स हमारे ब्रेकआउट लेवल के ऊपर कल ओपन हुआ, तो यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बनता, और जैसे ही साउथ की तरफ मूव हुआ तो हमारा ब्रेकडाउन लेवल ने यहाँ पर सपोर्ट का काम किया। फिर से ये जब ऊपर की तरफ आ रहा था तो हमारा ब्रेकआउट लेवल एग्जैक्ट इसने रेजिस्टेंस का काम किया, इसी लेवल को इसने पेनेट्रेट किया, इसके ऊपर ये क्लोज नहीं हो पाया। लास्ट हाफ एन आवर में इसने ब्रेक किया था, लेकिन लास्ट हाफ एन आवर में कोई इंट्राडे ट्रेड इनिशिएट नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पर कल कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं थी, यह था कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। यह है निफ्टी इंडेक्स का वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में अभी ये 12,000 के ऊपर कल क्लोज हुआ है, तो हमारा नेक्स्ट अभी रेजिस्टेंस का लेवल 12,100 के पास होगा, जहाँ पर इसका निफ्टी का ऑल टाइम हाई का लेवल है। तो ये हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस का लेवल हो सकता है। अगर नीचे आता है तो 11,870 के पास हमारा फर्स्ट सपोर्ट होगा। ये एज पर वीकली चार्ट हम बात कर रहे हैं, लॉन्ग टाइम फ्रेम के चार्ट के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर वीकली चार्ट में भी स्ट्रक्चर एक्सट्रीम बुलिश है, अगर करेक्शन आता है तो हम इसे प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं। फर्स्ट सपोर्ट होगा 11,870 का, और उसके बाद में 11,720 का नेक्स्ट सपोर्ट होगा, और ऊपर में 12,100 जो कि ऑल टाइम हाई का लेवल है निफ्टी इंडेक्स का, वो फर्स्ट अभी इस रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। चलते हैं डेली चार्ट में। यह है डेली चार्ट। डेली चार्ट में कल एक डोजी फॉर्मेशन हुआ है, फिर से इनडिसिजिव पैटर्न ये दर्शाता है, लेकिन ये ड्रैगन फ्लाई डोजी जैसा है। ड्रैगन फ्लाई डोजी जब भी डाउन ट्रेंड में आता है, ये जो कैंडल है ये, इसे ड्रैगन फ्लाई डोजी कहा जाता है। ये जब भी डाउन ट्रेंड में आता है तभी ये अपसाइड का सिग्नल होता है, ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल होता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो अभी ये अपसाइड यानी अप ट्रेंड में आ चुका है, तो यहाँ से ये हमें सिग्नल दे रहा है कि ट्रेंड बुलिश है, क्योंकि जो इसने कल गिरावट दिखाई थी वहाँ से रिकवर होके जहाँ पर ओपन हुआ था उसी के पास एक क्लोज हुआ है। तो यहाँ पर बुलिशनेस काफ़ी है, लेकिन ये जो ड्रैगन फ्लाई डोजी जैसा कैंडल है, डोजी कैंडल, ये अप ट्रेंड में आ चुका है। तो यहाँ पर हमने लास्ट कुछ दिनों से भी एक इंडिसिजिव कैंडल हमें देखने को मिला है, 3 दिन डोजी, उसके बाद एक हैंगिंग मैन, और फिर एक मॉडरेट बुलिश कैंडलस्टिक हमें देखने को मिला। तो यहाँ पर दबाव भी है, लेकिन बुल्स हार मानने को तैयार नहीं है, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। ये जो लेवल है 12,100 का, ये निफ्टी का ऑल टाइम हाई लेवल है, इसको छूना एक टेक्निकली देखे तो एक मेन रेजिस्टेंस वहाँ पर ही है जो कि ऑल टाइम हाई रहता है किसी भी स्टॉक या फिर इंडेक्स का। तो 12,100 के पास रेजिस्टेंस है, और नीचे 11,872 ये फर्स्ट सपोर्ट होगा। यहाँ पर 2 दिन देख सकते हैं इसी लेवल के पास इसने सपोर्ट टेस्ट करके अभी थोड़ा बाउंस बैक हुआ है। तो 11,872 अगर ब्रेक होता है तो हमें नीचे 20 EMA तक, एज पर ये डेली चार्ट की बात कर रहे हैं, 11,700 तक ये निफ्टी इंडेक्स आता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। तो ये डेली चार्ट का सिनेरियो। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में। आज के लिए इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। निफ्टी इंडेक्स अगर टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ बढ़ता है तो कल का हाई यानी 12,021 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा
12,040 ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकंड टारगेट होगा पिवट पॉइंट का R2 का लेवल जो कि 12,067 के पास है, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड साउथ की तरफ अगर ये मूव करता है तो ये जो यहाँ पर कल इसने सपोर्ट टेस्ट किया था इस लेवल के पास, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर इसने सपोर्ट टेस्ट करके फिर से एक छोटा सा बाउंस बैक दिखाया था। ये लेवल इसी के पास इसने पास्ट में यानी परसों के दिन रेजिस्टेंस फेस किया था, फिर कल भी ऊपर आते वक्त इसने इस लेवल के पास कुछ समय यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, फिर इसका ब्रेकआउट दिया और फिर इसने सपोर्ट का काम किया। तो ये लेवल काफ़ी क्रूशल है 11,989, इसके नीचे अगर आज चला जाता है तो हम इंट्राडे के लिए शॉर्ट पोजीशन यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,974, ये हमारा क्विकली एक छोटा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकंड टारगेट होगा ये 20 EMA का पिंक लाइन जो कि अभी 11,962 के पास है, ये 20 EMA का पिंक लाइन हमारा सेकंड टारगेट होगा। तो यह है निफ्टी के लिए आज के लिए इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको यह वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपके दोस्तों के साथ इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी एक ऑफर है ट्रेडिंग फैप, ये ऑथोराइज पार्टनर है ज़ेरोधा, अपस्टॉक्स और फाइव पैसा, ये जो डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स है उसका। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं तो हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको फ्री में मिल सकती है। तो इसके लिए आपको जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है और आपका मोबाइल नंबर डालना है, OTP डालना है, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी और एक दिन में आपका अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह से कंप्लीट है, कोई भी उसमें डाउट नहीं है, तो एक ही दिन में आपका अकाउंट ओपन हो सकता है। आपको जस्ट हमारे मोबाइल नंबर पर कॉल करके आपका क्लाइंट आईडी हमारे साथ कंफर्म करना है ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सकें। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।